हेलो गाइस, वेलकम टू बुक फॉरम। आज हम देखेंगे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के लिए फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो आज हम देखेंगे नॉमिनल टी मेथड के लिए फेजर डायग्राम किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो जैसा आप यहां देख सकते हैं कि ये हमने मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट किया है नॉमिनल टी मेथड के लिए। यहाँ हम कैपेसिटिव इफेक्ट की वजह से वोल्टेज वी सी को कंसिडर करते हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन याद होगी तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ हम कैपेसिटिव इफेक्ट को कंसिडर नहीं करते, बट यहाँ हम कंसीडर करते हैं और वो मिडल में कंसीडर किया है, जिसकी वजह से ये कुछ टी शेप का दिखता है। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले लूप में जब हम केवीएल लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, वी एस आई एस आर बाई टू प्लस आई एस एक्सएल बाई टू प्लस वी सी। तो ये हमारा मिलेगा वी एस के लिए। देन जब हम सेकेंड वाले में वापस से केवीएल लगाएंगे तो आप देख सकते हैं क्या मिलेगा, वी सी इक्वल्स टू यहाँ करंट क्या फ्लो कर रहा है, आई आर। यहाँ आई आर करंट फ्लो कर रहा है तो वी सी इक्वल्स टू आई आर इंटू आर बाई टू प्लस आई आर एक्सएल बाई टू प्लस वी आर। तो इस तरह से ये लूप कंप्लीट होगी। और जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा करंट आई एस फ्लो कर रहा है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, आई सी और आई आर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आई एस इक्वल्स टू आई सी प्लस आई आर होता है। तो ये तीन इक्वेशन हमें याद रखनी है जब हम नॉमिनल टी मेथड के लिए फेजर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ होगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे जो लोड है उसका जो नेचर है वो लैगिंग है, ओके, लैगिंग नेचर का लोड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या ड्रॉ करेंगे, वी आर। वी आर ही क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा लोड का वोल्टेज है वो लैगिंग है। तो हम यहाँ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज वी आर। अब हमने माना है कि यहाँ पे जो हमारा लोड का नेचर है वो लैगिंग है, और लैगिंग का नेचर मतलब कि जो हमारा करंट है वो वोल्टेज के पीछे चलेगा। तो कुछ एंगल पे हमने मान लिया कि जो हमारा करंट आई आर है वो इससे फाइव आर जितना लैग कर रहा है। देन नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ड्रॉप्स को काउंट करते हैं। अब देखिए, अगर हमें वी एस तक जाना है, वी आर से अगर हमें वी एस तक जाना है तो पहले हमें वी सी पता होना चाहिए। और वी सी का हमारे पास इक्वेशन क्या है, आई आर इंटू आर बाई टू प्लस आई आर इंटू एक्सएल बाई टू प्लस वी आर। तो वी आर हम ड्रॉ कर चुके हैं, आई आर भी हमारे पास है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, आई आर इंटू आर ड्रॉप और आई आर इंटू एक्सएल ड्रॉप। तो हमें आई आर ड्रॉप ड्रॉ करना है। तो आई आर ड्रॉप हमेशा करंट की डायरेक्शन में ही होगा। तो हमारी करंट की डायरेक्शन ऐसी है तो हमारा जो आई आर का ड्रॉप होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, आई आर इंटू आर बाई टू ड्रॉप, ओके, ये हो गया। अब सेकेंड है हमारा ये वाला ड्रॉप, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं कि जे है, और जे क्या इंडिकेट करता है कि वो 90 डिग्री बनेगा। सो अब यहाँ से हमें 90 डिग्री मिलेगा अगला ड्रॉप, जो है हमारा आई आर एक्सएल बाई टू, ये वाला ड्रॉप, ओके। और ये दोनों मिलके हमें क्या देंगे, आई आर जेड बाई टू। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वी आर और ये दोनों मीन्स आई आर प्लस जेड बाई टू मिलकर हमें वी सी देंगे, ओके। तो ये रहा हमारा वी आर और ये रहा हमारा आई आर जेड बाई टू, ये हमें क्या देंगे, वी सी, कैपेसिटर का वोल्टेज। तो हम इसको अगर ऐसे ड्रॉ कर दें तो ये मिल गया हमें वी सी, कैपेसिटर का वोल्टेज। मतलब अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, अब हमें ये दोनों काउंट कर लेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, मीन्स हमें इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हम इन दोनों का ड्रॉप भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो अब ये दोनों ड्रॉप कहाँ होंगे, ये दोनों ड्रॉप भी होंगे करंट के डायरेक्शन में, लेकिन कौन सा करंट, आई एस करंट। हमारे पास आई एस करंट तो है ही नहीं, आई आर करंट हमने फाइंड किया है। और आई एस अगर हमें फाइंड करना है तो हमें आई सी पता होना चाहिए और आई आर पता होना चाहिए। तो आई आर हमें पता है और आई सी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा कैपेसिटर है वो प्योर कैपेसिटर है, ये प्योर कैपेसिटर है। मीन्स प्योर कैपेसिटर में हमेशा जो करंट होता है वो 90 डिग्री पे लीड करता है। तो अगर हमारा कैपेसिटर का वोल्टेज ऐसा है तो जो कैपेसिटर का करंट बनेगा वो 90 डिग्री पे कुछ ऐसा बनेगा, इससे 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारा करंट आई सी कैपेसिटर के लिए। अब देखिए, हमारे पास आई सी भी है और आई आर भी है, तो हम क्या करेंगे, इससे आई एस फाइंड करेंगे, देखते हैं वो कैसे। अब
हमें इन दोनों के रिजल्ट से मिलेगा, मतलब हमें इन दोनों को कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि अगर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे तो मिडल में हमें कुछ ऊपर जाना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे, इस आईसी को यहाँ ड्रॉ करने के ट्राई करेंगे कुछ इस तरह से. ऐसा आप कर सकते हैं, हमने आईसी यहाँ ड्रॉ कर लिया. अब देखिए, अब इन दोनों का रिजल्ट हमें आईएस देगा. इन दोनों का जो हमें रिजल्ट है, ये देखिए, ये रिजल्ट, ये आईएस है. अब हमें ये दोनों ड्रॉप काउंट करना है और ये दोनों ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में हो गए. हम देखिए, आईएस का डायरेक्शन नीचे है तो ड्रॉप का डायरेक्शन यहाँ बना देता हूँ, नीचे आएगा आईएस इंटू आर बाई टू. फिर 90 डिग्री, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इस तरह बना रहा हूँ, लेकिन आपको 90 डिग्री बनाना है. तो ये है आईएस एक्सएल बाई टू जो 90 डिग्री ड्रॉप हुआ. अब इन दोनों का रिजल्ट हमको क्या देगा, अगेन आईएस जेड बाई टू. और जैसा हम यहाँ देख सकते हैं कि वी सी प्लस आईएस इंटू जेड हमें वीएस देगा. तो अब देखिए, ये हमारा वीएस, बस इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं फेजर डायग्राम.